हाय गाइस, अगर आप 17,000 में अपने लिए एक धमाकेदार शानदार और दमदार ऑलराउंडर फोन लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों ये बिल्कुल सही टाइम है 17,000 में एक बढ़िया वाला फोन लेने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम पर आपको 17,000 में 13 GB की बड़ी रैम वाला फोन मिल जाता है। सोचिए दोस्तों, 13 GB की बड़ी रैम, साथ ही इसके यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी एंड 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा और बेस्ट कैमरा क्वालिटी के लिए 108MP का बैक कैमरा मिलेगा एंड 32MP का सेल्फी कैमरा, साथ ही इसके 65W के सुपर मैक्स चार्जिंग का सपोर्ट होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 3 ऑलराउंडर फोन्स अंडर 17,000। तो चलिए भाई, बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। भाई, ये लिस्ट बिल्कुल नई है एंड हमने इसमें नए नए स्मार्टफोन को ऐड किया है। बात करें फोन की तो हमने इन सभी फोन्स को इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर दिया है। तो अब नंबर 3 पर आता है मोटो की तरफ से मोटो G60। इस फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड का क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा फोन, मींस कोई भी ऐड नहीं और पहले से फोन में कोई भी एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। NFC भी यहां पर आपको मिल जाती है एंड डेटा और फोन की सिक्योरिटी के लिए अलग से थिन शील्ड की सिक्योरिटी मिलेगी। इन सभी स्पेक्स को देखते हुए फोन काफी अच्छा लगता है एंड रियल में भी ये फोन काफी अच्छा है, पर इसमें सिक्योरिटी के लिए पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है जो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। अब वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के प्यारे से थोपड़े की। मोटो G60 में 6.8 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले लगी है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती तो मजा दोगुना हो जाता, पर यह भी अच्छी क्वालिटी की है एंड डिस्प्ले को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट दिया है। पर डिस्प्ले में किस क्लास की प्रोटेक्शन है इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। ओवरऑल देखें तो डिस्प्ले काफी बड़ी है एंड क्वालिटी भी अच्छी है। बैटरी डिपार्टमेंट पर नजर डालें तो इसमें 6000mAh की बैटरी लगी है और इस बैटरी को फुल करने के लिए इसके डिब्बे में आपको 20W का चार्जर मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे डिमांडिंग स्पेक्स की, यानी कि प्रोसेसर के बारे में। इसमें स्नैपड्रैगन का 732G वाला प्रोसेसर लगा है जो प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया माना जाता है, मतलब गेमिंग के लिए भी अच्छा है एंड नॉर्मल सेटिंग्स में इससे आप BGMI जैसे गेम को लैग फ्री खेल पाएंगे। रोजाना यूजेज के लिए भी सुपर है, एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस वाला फोन इसको आप बोल सकते हैं। अब कैमरा पर नजर डालें जो काफी इंटरेस्टिंग स्पेक्स के साथ आता है। इसके पीछे की तरफ 108MP का मेन कैमरा लगा है, 8MP का अल्ट्रावाइड एंड मैक्रो और 2MP का डेप्थ कैमरा। टोटल ट्रिपल कैमरे का सेटअप है और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा सेंटर में लगा है। तो पहली बात, इसके दोनों कैमरों से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एंड दूसरी, इसकी कैमरा ऐप में आपको बहुत जबरदस्त फीचर मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कैमरा क्वालिटी अच्छी है। ये फोन आपको अभी के टाइम पर 6 128 के रैम स्टोरेज में 18,000 की कीमत में मिलेगा, पर मेरी सलाह यही है कि 2-4 दिन वेट करें, क्योंकि पहले ये फोन ऑफर्स में 17,000 की कीमत में बिक रहा था और अभी इस पर 1,000 रुपए बढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि किस यूजर को मोटो G60 लेना चाहिए। तो गाइस, डायरेक्टली बताता हूँ, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टॉक एंड्रॉइड का क्लीन एक्सपीरियंस वाला फोन चाहिए, तब आप इसको ले सकते हो। तो गाइस, ये थी पूरी कहानी मोटो G60 की। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन है वो बिल्कुल लेटेस्ट है एंड अगर इसका प्राइस 2,000 तक कम होता तो ये फोन 17 से 18,000 के प्राइस में नॉन कॉम्पिटेबल स्मार्टफोन होता। और इस पावरफुल स्मार्ट फोन का नाम है Realme 8S 5G। इस फोन में आपको एक नया प्रोसेसर मिलता है, नई ताकत है और इस ताकत का नाम है MediaTek Dimensity 810। ये वाला चिपसेट 6nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है, मतलब कि पावर एफिशिएंट चिपसेट है जिससे आपको गेमिंग में पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगी एंड डेली यूजेस के लिए भी ये प्रोसेसर एकदम बढ़िया है। इसका अंततः स्कोर 370,000 से 380,000 के बीच है एंड ये फोन 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो ये थी पूरी कहानी परफॉर्मेंस की। अब डिस्प्ले पर नजर डालें, 6.5 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले लगी है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है एंड इसके प्राइस के हिसाब से 120Hz का रिफ्रेश रेट होना चाहिए था, पर नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। डिस्प्ले कलर ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी है, पर ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है, बट गेमिंग या फिर नॉर्मल यूजेज में डिस्प्ले एक अच्छे लेवल की है। तो गाइस, अब बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की। 5000mAh की बैटरी लगी है जिसको चार्ज करने के लिए इसके डिब्बे में आपको 33W का चार्जर मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड वाला लॉक मिलेगा एंड यहाँ पर आपको 3 कार्ड स्लॉट का स्पेस मिल जाएगा, यानी कि 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। सो गाइस, अब बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा की। तो इसके बैक में आपको 64+2+2 मेगापिक्सल के साथ बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा
और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। अब बात आती है कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, तो इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। एक 15,000 वाले कैमरा फोन जैसी कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाएगी, यानी कि एक एवरेज लेवल का ही कैमरा इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा, ज्यादा सुप्रीम लेवल का नहीं है। एंड याद रहे, प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अब रैम स्टोरेज की बात करें तो ये फोन दो वेरिएंट में आता है, 6128 और 8128। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको डायनेमिक रैम का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप 5GB तक अपने फोन की रैम को बढ़ा सकते हो। यानी कि अगर आप इस फोन को 8GB रैम के साथ खरीदते हो तो इसको आप 5GB तक बढ़ा सकते हो, यानी कि 8 और 5 13GB तक इसकी रैम को आप कर सकते हो। और गैस, इसके 6128 के लिए आपको 18,000 देने पड़ेंगे और 8128 के लिए 20,000 रुपए। तो भाई, मेरी सलाह आप लोगों को यही रहेगी कि अभी के टाइम पर इस स्मार्टफोन को आप मत खरीदना, 10 से 15 दिन का वेट करें, और जब इसका 8GB रैम वाला वेरियंट आपको 18,000 की कीमत में मिल जाए तब आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यार 20,000 रुपए ये स्मार्टफोन डिजर्व नहीं करता, ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। तो भाई, अब बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ, और पहले नंबर पर आता है Realme 7 Pro। पुराना स्मार्टफोन है पर दमदार स्मार्टफोन है। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस की प्रोटेक्शन दी है। तो भाई, डिस्प्ले क्वालिटी इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़बरदस्त है, गेमिंग के लिए भी बेस्ट है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी डिस्प्ले की काफ़ी ज़बरदस्त है। 4500mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए 65W का चार्जर इसके डिब्बे में ही आपको मिल जाएगा। इस फोन में डुअल स्टूडियो स्पीकर लगे हैं एंड यहां पर आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जो आपको एक प्रीमियम लेवल की फील देगा। बात करें इस स्मार्टफोन की ताकत की, तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट, जो आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त लेवल की देगा, और इस प्राइस के हिसाब से ये प्रोसेसर काफ़ी ज़बरदस्त माना जाता है, एकदम अच्छे वाली परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो इसके बैक में आपको 64 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। बात करें कैमरा क्वालिटी की, तो भाई इसके दोनों कैमरों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एक अच्छे लेवल के फोटोज़ इसके दोनों कैमरों से आप क्लिक कर पाएंगे। इसके 8128 के लिए आपको 16,999 रुपये देने पड़ेंगे, और भाई यही वजह है जिस वजह से हमने इस स्मार्टफोन को पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि 17,000 में आपको इसमें 8GB की बड़ी रैम और 128GB का बड़ा स्टोरेज मिल जाता है। तो भाई, ये थे मेरे हिसाब से 17,000 वाले 3 सबसे जबरदस्त स्मार्टफोन। अब आप लोगों के हिसाब से ये लिस्ट कैसी होनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात आती है कि अगर मुझे इन 3 में से कोई एक स्मार्टफोन खरीदना होता तो मैं किस स्मार्टफोन को परचेज करता। तो भाई, मैं परचेज करता Realme 7 Pro को, क्योंकि ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, और वैसे Moto G60 भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, उसको भी आप परचेज कर सकते हो। सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो मेरी पसंद है Realme 7 Pro, आपकी पसंद कौन सी है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बट यार, मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी के टाइम पर आप Realme 8S को परचेज मत करना। तो भाई, आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।